अगर आप हेपेटाइटिस बी को सर्च करते करते यहां पे पहुंचे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि यहां पे जो आप पहुंच चुके हैं, तो यहां के बाद आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम हेपेटाइटिस बी के बारे में आपको वो जानकारी देना चाहते हैं जो आपने पीछे जितनी भी वीडियो देखी है, हो सकता है वहां पे आपको ये जानकारी नहीं मिली है। आपको भी पता है कि हेपेटाइटिस बी वायरस कितना खतरनाक है, इसीलिए आप बार बार सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे इसको सर्च करते आ रहे हो। यहां पे आने के बाद आपकी सर्च खत्म हो जाती है। अब मैं आपको बताऊंगा हेपेटाइटिस बी वायरस फैलता कैसे है, क्या इसके लक्षण है, क्या इसका इलाज है। अगर इलाज ना किया जाए समय के ऊपर, तो फिर क्या हो सकता है, और क्या इसका समय से पहले अगर हम ट्रीटमेंट देते हैं तो क्या हम इससे बच सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हेपेटाइटिस बी वायरस होता क्या है। हेपेटाइटिस बी वायरस हमारी लीवर की जो बीमारी है, यहां तक तो आपने जो पहली वीडियो आपने देखी है वहां पे पढ़ लिया होगा। ये लीवर की बीमारी होती है, और लीवर के अंदर क्या आ जाती है, सोजिश, और सोजिश आने के बाद फिर क्या होता है कि वहां पे घाव हो जाता है, जिसको साइरोसिस बोलते हैं, लीवर साइरोसिस। अगर बहुत लंबे समय तक अनट्रीटेड इसको छोड़ दिया जाए तो फिर ये कैंसर में बदल जाता है। वो तो है बाद की बात, अब हम बताएंगे ये फैलता कैसे है, शुरुआत कैसे होती है इसकी। इसकी शुरुआत होती है अगर आप किसी भी इंसान से जिसको पहले से ही हेपेटाइटिस बी का इंफेक्शन है, अगर आप उसके साथ अनप्रोटेक्टेड तरीके से यौन संबंध बना लेते हैं, तो उसका वायरस आपके शरीर के अंदर घुस जाता है। अगर आप किसी लेबोरेटरी टेक्नीशियन हैं, अगर आप किसी का ब्लड सैंपल लेते हैं, और अगर आपको ब्लड सैंपल लेते हुए सुई लग जाती है, तो भी वायरस आपके शरीर के अंदर घुस सकता है। और जो प्रेग्नेंट लेडी होती है, प्रेगनेंसी में भी बच्चे को हेपेटाइटिस बी वायरस का इंफेक्शन हो सकता है, अगर उस लेडी को पहले से ही हेपेटाइटिस बी वायरस है। और अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा शराब पीता है, एल्कोहल लेता है, तो उसको भी हेपेटाइटिस बी का इंफेक्शन हो सकता है। ये तो मैंने आपको बताया कि ये फैल कैसे सकता है, अब मैं आपको बताऊंगा कि इसके बाद लक्षण क्या होते हैं जब किसी को इंफेक्शन हो जाता है। सबसे पहले कौन सा लक्षण आता है, सबसे पहले उसको बुखार आएगा, जोड़ों में दर्द होगा, कठिया भी हो सकता है, भूख उसको कम लगती है, रैशेज पड़ सकते हैं, और जो सिगरेट पीने का आदि है, सिगरेट का जो टेस्ट है वो खत्म हो जाता है, और उसके ऊपरले हिस्से में दर्द भी हो सकता है। ये है पहले लक्षण। इसको हम देखो, सबसे पहले मैं एक बात करूंगा आपको समझाने के लिए, जो हेपेटाइटिस बी होता है अगर वो जल्दी ठीक हो जाता है, ये जो वायरस है इंफेक्शन होने के 6 महीने के अंदर अपने आप ठीक हो जाता है, यानी कि हमारा शरीर इसको ठीक कर देता है। अगर वो ठीक कर देता है 6 महीने से पहले, तो इसको हम बोल लेंगे एक्यूट इंफेक्शन, यानी नया नया इंफेक्शन। अगर 6 महीने से लेट हो जाता है, हमारा शरीर इसको ठीक नहीं कर पाता, तो इसको बोलेंगे हम क्रोनिक हेपेटाइटिस, यानी कि उसकी जो बात है हम बाद में करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर हेपेटाइटिस एक्यूट के बारे में करेंगे। इसको हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे। भागों में क्यों करेंगे, क्योंकि हम आपको ये बताएंगे कि पहले कौन से लक्षण आएंगे, दूसरी बार कौन से आएंगे, और तीसरी बार क्या होगा। जो पहले लक्षण आते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोड्रोमल फेस। इसमें क्या होगा, जो मैंने लक्षण बताए हैं, बुखार आना, जोर दर्द आना, भूख कम लगना, और आपके शरीर के अंदर ऊपरले हिस्से में दर्द होना, जो सिगरेट पीते हैं उसका स्वाद भी खत्म हो जाता है, गठिया हो जाता है, जोड़ दर्द होता है, ये होता है पहले हफ्ते में, यानी कि 3 से 10 दिन के अंदर। इससे आगे जो स्टेज आती है, जो फेज आता है, उसको बोलते हैं इक्टेरिक फेज। उसके अंदर क्या होता है, आपकी आंखें पीली हो जाती हैं, स्किन पीली हो जाती है, आप अगर पोटी करने के लिए आते हैं तो वो ग्रे कलर की आती है, और आपके पैरों में सूजन हो सकती है। अगर आप ब्लड टेस्ट करवाने के लिए लेबोरेटरी के अंदर जाते हैं, तो आपके जो पैरामीटर है, एंजाइम SGOT और SGPT, आपका लेवल बढ़ सकता है, यानी कि SGOT और SGPT का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, 30 से 40 गुना, यानी कि उसका 1000-2000 तक भी रिजल्ट आ सकता है। तो ये होता है इक्टेरिक फेज में। इसके बाद जो अगला फेज आता है उसका नाम है कॉन्वलेसेंस। कॉन्वलेसेंस तो देखे एक इंग्लिश का बड़ा ही आपने समझ में नहीं आएगा, हम ये भी बोल सकते हैं एक्यूट फेज में आखिरी चरण होता है। इस आखिरी चरण में क्या होता है,
कि हमारी बॉडी उस वायरस को बाहर निकाल के फेंक देती है, यानी कि हमारा शरीर हेपेटाइटिस बी से मुक्त हो जाता है। इस फेज के अंदर कुछ समय तक आपको थकान रह सकती है, कुछ महीनों तक थकान रह सकती है, लेकिन वायरस आपका खत्म हो जाता है। बहुत बदनसीब लोग होते हैं, बहुत जिसकी किस्मत साथ नहीं देती, उनके अंदर ये वायरस हमेशा के लिए जगह बना लेता है। वो इंसान 10 में से एक इंसान होता है, यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं कि 10 मरीजों में से 9 मरीजों के अंदर से वायरस अपने आप ही चला जाता है, या फिर ये बोल सकते हैं कि भी 20 मरीज की अगर हम काउंटिंग करें तो 20 में से एक मरीज के अंदर ये वायरस हमेशा के लिए जगह बना लेता है। और जब ये वायरस ठीक नहीं होता तो ये अगली स्टेज में चला जाता है, जिसको बोलते हैं हेपेटाइटिस की क्रोनिक स्टेज। अब हम दोबारा वापस आ जाते हैं कि आप अगर इसको कैसे पता करें कि हमारे अंदर ये वायरस है, इसके लिए अगर आप पीलिया होने के बाद डॉक्टर के पास चले जाते हो झाड़ा लगवाने की बजाय। कई लोग क्या करते हैं ना गांव में, जैसे पीलिया हो जाता है, जैसे मैंने बताया पीलिया होने के बाद झाड़ा लगवाने के लिए चले जाते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कुछ समय के बाद ये अपने आप ही ठीक हो जाता है, यानी कि 2 महीने के अंदर अंदर ये ठीक हो जाता है। तो लोग ये सोचते हैं कि झाड़ा लगवाने के बाद हमें इससे आराम मिल गया, लेकिन ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी, उससे आराम नहीं लगता, ये अपने आप ही ठीक हो जाता है। और अगर आपको ये पता करना है कि आपके अंदर हेपेटाइटिस बी वायरस का इंफेक्शन था या फिर अब है, या फिर कुछ भी जानकारी लेनी है, तो आप डॉक्टर लिखता है 3 टेस्ट, उसमें आ जाते हैं हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन और हेपेटाइटिस बी एंटीबॉडीज। इन तीनों टेस्टों से आपको यह पता चलेगा कि अभी आपको इंफेक्शन है या नहीं है, यह पता चलेगा हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन से, और हेपेटाइटिस बी कोर एंटीजन से पता चलेगा कि आपको हेपेटाइटिस बी होके जा चुका है, यह पता चलेगा, और हेपेटाइटिस बी एंटीबॉडी से पता चलेगा कि आपके अंदर कितनी इम्यूनिटी है, कितने एंटीबॉडीज है। तो ये 3 टेस्ट करवाने से भी आपको स्टेटस का पता चल जाता है। कई बार होता कैसे है कि मान लो किसी को पीलिया हो गया और उसने कोई किसी डॉक्टर को भी नहीं दिखाया और अपने आप ही हेपेटाइटिस बी जो है काला पीलिया वो ठीक हो गया, तो अब उसको तो पता ही नहीं है कि उसके अंदर हेपेटाइटिस बी आके चला गया है। अगर उसने पता करना है कभी जिंदगी में कि मेरे अंदर हेपेटाइटिस बी आया था, तो ये टेस्ट वो इसका भी कुछ टाइम होता है उसके अंदर ये करवा सकता है, तो इससे आपको पता चल सकता है कि आपके अंदर हेपेटाइटिस बी वायरस आया था कि नहीं आया था। अच्छा, अगर इसको आप छोड़ देते हैं अनट्रीटेड, मान लो कि इसका इलाज, इसका 6 महीने के बाद इसका इलाज तो है ही नहीं है, इस चीज का तो पता ही है, अगर 6 महीने से पहले बीच में भी अगर आप केयर करते हैं, इलाज तो उस टाइम पे भी नहीं है, लेकिन इसको रोका जा सकता है। इसका तरीका सिर्फ एक तरीका है, वैक्सीन। आप वैक्सीन लगवा सकते हैं, जैसे बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेते ही वैक्सीन लग जाती है हेपेटाइटिस बी की, उसके बाद 1 महीने बाद लगती है, उसके बाद 6 महीने बाद लगती है, ये लगभग 19 से 20 साल तक काम करती है। 20 साल के बाद आप दोबारा लगवा सकते हैं। अगर आपने आज तक भी वैक्सीन नहीं लगवाई है तो आप 19 साल से लेकर 59 यानी कि 59 साल तक जब मर्जी लगवा सकते हैं, इसकी वैलिडिटी 20 साल तक रहती है, या फिर लाइफ लॉन्ग मतलब पूरी जिंदगी भी हो सकती है, यानी कि 20 साल तक ये काम करेगी। तो अगर आप ये वैक्सीन लगवा लेते हो तो आपको जो हेपेटाइटिस बी वायरस का इंफेक्शन होना है या फिर कहीं से भी हेपेटाइटिस बी वायरस आपको होने के चांसेस होते हैं तो वो टल जाते हैं, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि आपको आप हेपेटाइटिस बी मुक्त हो जाते हैं, आपको हेपेटाइटिस बी का जो वायरस इंफेक्शन है होने का खतरा खत्म हो जाता है। लेकिन होने के बाद इसको कोई भी नहीं रोक सकता, इसको सिर्फ अपनी बॉडी रोक सकती है, वो भी 6 महीने के अंदर अंदर। उसके बाद अगर ये हेपेटाइटिस बी क्रोनिक स्टेज में चला जाता है तो उसके बाद क्या होएगा कि कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बारे में हम जो डिस्कस करेंगे वो पार्ट 2 में करेंगे, हम इसके ऊपर पार्ट 2 भी बनाएंगे, क्योंकि ये तो हमने बताया कि एक्यूट फेज यानी कि नया यानी कि 6 महीने तक जो ये वायरस है, 6 महीने जो हमारी बॉडी है तो इस वायरस को बाहर निकाल देती है, यानी खत्म कर देती है। अगर 6 महीने के बाद ये खत्म नहीं होता है तो वो एक क्रोनिक स्टेज होती है, उस क्रोनिक स्टेज के ऊपर हम बनाएंगे पार्ट 2। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तो फिर मिलेंगे आपसे पार्ट 2 में। धन्यवाद दोस्तों।